नमस्कार। आपने भविष्यवाणियों के बारे में तो कई बार सुना होगा, तो चलिए हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसकी भविष्यवाणियां कई बार सही हुई हैं, और उसने कई बड़ी घटनाओं के बारे में पहले ही बता दिया था जो हमारे इतिहास में सही हुई हैं। उनका नाम नास्त्रेदमस है। नास्त्रेदमस एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर थे जिनका जन्म 16वीं सदी 14 दिसंबर 1503 को हुआ था। उनकी भविष्यवाणियां सही हुई, जैसे कि फ्रांस की क्रांति, लंदन की आग, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले, 9/11 के हमले और कई अन्य सारे घटनाओं के बारे में बताया है। तो चलिए हम आपको उनके द्वारा 21वीं सदी में कौन कौन सी बड़ी घटनाओं के बारे में अनुमान लगाया गया है उनके बारे में बताते हैं। पहला, उन्होंने यह भविष्यवाणी की है कि 2020 में अमरीकी राष्ट्रपति को एक विचित्र बीमारी होगी और रूस के राष्ट्रपति की हत्या करा दी जाएगी, जिससे कि विश्व राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होगा और आर्थिक मंदी आएगी। दूसरा, 2020 में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा और यह युद्ध 27 सालों तक चलेगा, और इस युद्ध की शुरुआत दो देशों के बीच होगी जो बढ़कर क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म के बीच का मतभेद बन जाएगा, और इस युद्ध से एक एंटी क्रिश्चियन समुदाय या धर्म की उत्पत्ति होगी जिसका नेतृत्व एक जर्क्सिस जैसा क्रूर नेता करेगा, और यहाँ तक कि उसके जन्म का वर्ष का अनुमान भी लगाया गया है, और वो वर्ष हैं 2000, 2002, 2006, 2009, 2013, 2016 तथा 2020। तीसरा, 2020 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो जाएगी। चौथा, 21वीं सदी में विश्व भर में एक साथ बाढ़ आएगी और इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं, और आपसे यह आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हमारी टीम को प्रोत्साहन मिलता रहे, और साथ में लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए। धन्यवाद।